हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ करेला, तो बहुत ही स्वादिष्ट करेला बनेगा। इसे हम दाल चावल के साथ खाएंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया है ऑयल, यहाँ पे जो मैंने तेल लिया है, राई का लिया है। और राई में कहते हैं ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो, पर हमें राई में अच्छा लगता है, इसलिए हमने राई का तेल ले लिए है। उसमें हमने डाल दिया है ये टेस्टी करेला। इसको धीरे धीरे हम पकाएंगे। और इसमें एक खास आइटम डाला है, आप बताइए क्या डाला है, गेस करिए। इसमें मैंने डाला है आटा। हाँ जी बिल्कुल, गेहूं का आटा मैंने यूज़ किया है। और वो डालने के बाद ये और भी स्वादिष्ट और क्रिस्पी बन जाता है। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम मात्रा में डालना है। आपने देखा मैंने कितना ही डाला है, बस बोलते ना थोड़ा सा चुटकी भर, एक आधा चम्मच या 1 चम्मच डाला रहेगा मैंने। उसके बाद इसमें नमक डाला है। इसको धीरे धीरे हम देखिए लाल करते गए हैं, इसका कलर चेंज होता चला गया है। और अब मैं ज़्यादा इसे ना पकाऊंगी, वरना हस्बैंड बोलेंगे करेला नहीं, तुमने तो करेले को जला ही दिया है। इसलिए अब हमको बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, और इसके बाद जो खाने वाला है उसको हम खिला देंगे। लेकिन सिर्फ करेला नो 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 नो, इसे दाल चावल भी देना है, साथ में रोटी भी देंगे। पर मेरी जान जो है रोटी नहीं खाएगी, और करेला उसे पसंद नहीं है। देखो कितनी एक्टिंग करती है वो। बताओ पर कनक को तो करेला पसंद ही नहीं है, लेकिन वो आपके लिए करेला खा रही है। ओह माय गॉड, मेरी लल्ली अपने प्यारे प्यारे YouTube फैमिली के लिए करेला खा रही है, और इतनी एक्टिंग, देखो कितना प्यारा लग रहा है।